तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां शिक्षकों को इस दिवाली बड़ी सौगात मिलेगी। दरअसल 24,000 से अधिक शिक्षकों को मनचाही जगह पोस्टिंग दी जाएगी। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर उन्हें मनचाही जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा। नई जगह पोस्टिंग की कार्रवाई 5 नवम्बर तक पूरी कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 अक्टूबर को नई ट्रांसफर नीति के तहत शिक्षकों के तबादला आदेश जारी किए गए थे। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 9,681 प्राथमिक शिक्षक के अलावा 8,000 माध्यमिक शिक्षक और 3,835 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल है। साथ ही अन्य 1,923 शिक्षकों को भी तबादले किए गए हैं। तो हमारे साथ सहयोगी अतुल जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, अगर बात करें तो दिवाली पे हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी है, और ऐसे में अब शिक्षक जो है वो अपनी मन चाहे जगह पर ट्रांसफर करा पाएंगे, तो कितनी बड़ी सौगात है, शिक्षक इसको देख रहे हैं? मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 24,000 शिक्षकों को मन चाहे ट्रांसफर का अवसर दिया जा रहा है। 43,000 शिक्षक ने ऑनलाइन आवेदन किए थे मनचाही जगह पाने के लिए, और उनमें से 24,000 शिक्षकों को उनकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि पूरी कार्रवाई 5 नवंबर 2022 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। और ये एजुकेशन पोर्टल के जरिए हुआ है। एजुकेशन पोर्टल पर कुल 43,118 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुछ म्यूचुअल ट्रांसफर्स हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर्स की हम बात करें तो 944 शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर हुए हैं, यानी दो शिक्षकों ने आपसी सहमति से जगह बदली है। शिक्षकों की ये समस्या होती है कि वो जहां चाहते हैं वहां पर उनकी पोस्टिंग नहीं होती, इससे उनका पारिवारिक जीवन भी डिस्टर्ब होता है। तो पहली बार ये व्यवस्था की गई थी, और इस व्यवस्था के तहत बड़े स्तर पर अब तबादले होने जा रहे हैं, और एक साथ 24,000 शिक्षकों के ट्रांसफर अपने आप में एक बड़ी बात है। जी अतुल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक साथ 24,000 जो शिक्षक है वो अपने मन मर्जी और अपने हिसाब से ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो क्या ऐसे और भी अन्य डिपार्टमेंट हैं जहां इस तरह की सौगात जो है वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए ये शुरुआत मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में ही की गई है। लगातार जब भी ट्रांसफर की प्रोसेस होती थी तो मंत्रियों के पास आवेदनों का ढेर लग जाता था, और सिफारिशी आवेदन भी काफी तादाद में होते थे। ऐसे में किसकी सिफारिश मानी जाए न मानी जाए, इसमें संशय रहता था। इसलिए सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की कल्पना की गई और इसे शुरुआत की गई इसकी एजुकेशन पोर्टल के जरिए, और पहली बार 43,000 में से 24,000 शिक्षकों को मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिल रही है, वो भी बिना किसी सिफारिश के। सिर्फ उन्होंने आवेदन किया, ऑनलाइन प्रोसीजर का पालन किया, और उन्हें अब अपनी मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिल रही है। जी अतुल जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए।